जाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। चौखट पे सर को झुका कर तो देखो, चौखट पे सर को झुका कर तो देखो। तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके आंचल में आ बैठ जा। तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके आंचल में आ बैठ जा। छोड़ स्वार्थ के नाते सभी, रानी से नाता बना। छोड़ भारत के नाते सभी, नावे से कहते आगे देखो प्यारे। ये कराती मुलाकात है, ये कराती मुलाकात है, मेरी लाडो की क्या बात है। कराती मुलाकात की क्या बात है, रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। Oh!
मां, मेरी भोरी सरकार, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कह दो राधे राधे, राधे राधे। इतनी भोरी है, इतनी भोरी है, किसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी औकात है। आप झूठे से भी कह दोगे ना, किशोरी जी आप तो सिर्फ मेरी हैं और मैं सिर्फ आपका हूँ, उसी को पक्का मान लेती है। इसीलिए कोई सीधे सीधे बरसाने नहीं आता है। ठाकुर जी जल्दी से किसी को बरसाने नहीं भेजते हैं, अपने रूप के आकर्षण में ऐसा फंसा कर रखते हैं। भैया आते हो, वहाँ आते हैं, कहाँ आते हो, वृंदावन आते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आ जाते हैं। कह दो राधे राधे। बरसाने गए नहीं, अभी तक नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि बिहारी जी ने अभी तक तुम्हें भेजा ही नहीं। तेरी कृपा का अभिमान रहे कोई और अभिमान रहे ना रहे। एक हमारे बरसाने में गोपियां जाती थी ना माखन बेचने के लिए, दूध दही माखन बेचने, आवाज लगाती जाती थी गली में, कोई दूध ले लो, कोई दही ले लो, कोई छाछ ले लो। तो वहां पे एक सखी रहती थी, वो थोड़ी सीधी थी, उसका नाम था बाबरी सखी। क्या नाम था? बाबरी सखी। बोलो, अरे का है गूंगे है गए का सबके सब नाए। हैं? बोलो। अच्छा राधे राधे तो बोलो, अरे जोर से बोलो, बड़ी ढीठ है, रिपीट मत करे लाला, हल्ला ना करे। तो अब बाबरी सखी किशोरी जी से प्यार बड़ा करती थी। एक दिन उसके मन में आया, जैसे ये सब जा रही हैं, भोली सी तो थी, उसने भी सिर पे एक मटकी रख ली, और मटकी में कुछ नहीं है, खाली मटकी है। और जैसे वो कह रही है छाछ ले लो, दूध ले लो, वो भी बोलती जा रही है शहद ले लो, शहद ले लो, शहद ले लो। अब मटकी में शहद तो है नहीं। अब सारे जो वहां के ब्रज के छोरा छोरा, ब्रज के मोरा, सब जानते हैं बाबरी है, उसकी कभी दुपट्टा गिरते बाबरी थोड़ा शहद तो दे, वो मुख में दुपट्टा हंसती हुई चली जाती आगे, क्योंकि उसके पता उसके पास है नहीं। लेकिन उसका एक नियम पक्का था, वो किस लिए मटकी उठा के गई, कि मुझे रोज राधा रानी की पौड़ी पे माथा टेकने को मिलेगा, श्री जी की अटारी के दर्शन मिलेंगे। इसलिए उनके पीछे पीछे बोली, अरे कोई शहद ले लो, कोई शहद ले लो। बिचारी बाबरी है, कह दो राधे राधे, राधे श्री जी के भरोसे चल दी। अब दुनिया उसका मजाक उड़ाती है, उसको छेड़ती है, लेकिन फिर भी वो हंसती है, घूंघट काढ़े है और दांतों तले दुपट्टा दबा के शर्मा के हंस के आगे निकल जाती है। लेकिन जब सब गोपियां दूध दही छाछ बेच के फिर दोपहर में थक जाती थी, तो श्री जी की पौड़ी पर जाके बैठ जाती थी, तो वो भी बैठ गई, उसका भी नियम बन गया, वहीं बैठती है, फिर वहां से माथा टेक के चल देती है। एक दिन दो सखियां आई, उनको उन पे दया आई, बेचारी बड़ी भोरी है, कोई बात नहीं, आज उसकी झूठे से ही बिक्री करा देते हैं। बोली, ए बाबरी तेरे पास शहद है? बोली, है। बोली, थोड़ा सा दियो। अब वो कौन सी मस्ती में बैठी, उसने झूठे से दोना उठाया और ऐसी मटकी में हाथ रख के कह रही, लो शहद ले लो। कह दो राधे राधे। तो अब जैसे उसने झूठे से दिया, उन्होंने भी झूठे से उसको पैसा दिया और वो शहद का दोना लिया और ऐसे उंगली लेके उसके सामने झूठे से चाटने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जीभ पे उंगली रखी तो उनको सच में शहद का स्वाद आने लगा। शहद था नहीं, लेकिन शहद का स्वाद, अरे बाबरी ये क्या है, जरा और दे। दो तीन बार उसने शहद लिया, उसने दिया और वो जीभा पे रख के बड़ा स्वाद ले रही है। कह दो राधे राधे। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई, अरे बाबरी तो जादूगरनी है, ये तो जादूगरनी है, इसकी मटकी में कुछ होता नहीं। अब भीड़ लगने लग गई, दुनिया आ रही है,
में शहद ले रही है, चाटती है उसको तो बड़ा स्वाद आता है उसको। एक लड़का वहां का देख रहा था, बोले इसके पास तो जादुई मटकी है, अगर मैं ये मटकी ही छीन लूं तो फिर मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, इससे कह दो राधे राधे। अरे बोलो ना, अब वो लड़का उस ताक में था कि किसी तरह इस बाबरी की मटकी मुझे मिल जाए। अब वो जब वापस जाती थी तो एक दिन उसने देखा जब सब गोपियां अपने घर चली गई, बाबरी अकेली रह गई, पटाक से गया और वो मटकी छीन के भाग गया और वो रोने लगी जोर जोर से। अब वो क्या करती बेचारी, ये तो मटकी लेके भाग गया, घर जाके चार पाई पे औंधे मुंह पड़ गई और रोने लगी, श्री जी मैं अब आपके पास कैसे आऊंगी, श्री जी मैं आपके बिना नहीं रह सकती। यही बहाना था घर से निकलने का बाबरी के, वो भी छूट गया, मेरी मटकी लेके भाग गया वो। लेकिन उधर जब वो मटकी लेके भागा, अपनी कुटिया में गया, बोले देखो तो सही इस मटकी में ऐसा क्या है। उसने ऊपर से ढक्कन हटाया, कुछ दिखा नहीं, लेकिन मधुमक्खियों का झुंड आया और उसके पूरे शरीर पर काट के चला गया, जख्मी हो गया, पड़ा है, कर्रा रहा है, दर्द हो रहा है। एक दिन दो दिन कोई दवा काम नहीं कर रही, शरीर सूज गया, दर्द से कर्रा रहा है, तड़प रहा है। इतने में उसकी बहनें आई, बोले क्या किया तूने, बोले ऐसे ऐसे लीला हुई, मुझे लगा मैं कितना पैसा कमा लूंगा उस जादू की मटकी से। बोले जा उस बाबरी को वापिस करके आ, पहले जाकर देखा, जाकर देखा तो वो बाबरी ने तीन दिन से कुछ पाया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि श्री जी की पोड़ी नहीं मिली, श्री जी की अटारी के दर्शन नहीं मिले। तो प्यारे जब उसने देखा, उसने वो मटकी वापस की और उसके पैरों में गिर गया कि धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरा प्रेम। वो बेचारी मटकी देख के खुश हो गई, बोले मुझ पे भी कृपा कर दे, मैं ठीक हो जाऊं। उसने मुस्कुरा कर एक बार देखे, बोले राधा रानी सब अच्छा करेगी। वो ठीक हो गया और मटकी लेके बाबरी फिर शहद बेचने चली गई श्री जी के दर्शन के लिए। तो प्यारे इसीलिए कहते हैं कि मेरी लाडली इतनी करुणा वरुणालय है, इतनी करुणा वरुणालय है, कोई झूठे से भी राधा नाम ले दे और कहते मैं तेरी हूं तो उसको पक्का रिश्ता उसका बना लेती है। और जो इसका एक बार हो जाए, इनके रहते कोई कुछ कहे, इनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। करने में विख्यात है, लाड करने में विख्यात है, मेरी लाडो की क्या बात है, लाड करने में विख्यात है, मेरी लाडो की क्या बात है। भुजा उठा के कहिए राधा रानी, जिनका विश्वास आधा है उनकी आधी भुजा है, जिनका विश्वास पूरा है वो गर्व से कहेंगे, और जिनको इनकी कृपा का अभिमान है कि हे लाडली मुझ पे तेरी कृपा, इससे मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, वो खड़े होकर जरा नाच कर कहना राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है, ओ राधा रानी मेरे साथ है।
कहां, इनके चरणों में आ बैठ जाए। और राधा रानी के चरण कहां, बरसाने में। इसीलिए तो ये बात कह रहा हूं, दर्दे दिल की, दर्दे दिल की दवा है बरसाना, दर्दे दिल है कोई कुछ।
इनके चरणों में आ बैठ जा। क्यों तू भटके यहां से वहां, इनके चरणों में आ बैठ जा। छोड़ स्वार्थ के नाते सभी महाराज, लाड करने में विख्यात है मेरी लाडों की क्या बात है। लाड करने में विख्यात है मेरी लाडों की क्या बात। मेरी वाणी में वो दम नहीं, बस इतना पता है लाडली। और जिसको ये लाड मिल चुका है, और मानना है कि बहुत बार नहीं, केवल पहली बार ही जब बरसाने हो तब भी आप इसका अनुभव कर सकते हो, अगर करने वाली नजर हो तो। वरना तो आधे से ज्यादा टाइम स्टेटस और फोटो में ही बीत जाता है। आओ, जिन पर ऐसी कृपा हुई है और नहीं हुई तो हो जाएगी, जरा दोनों हाथ उठा के मस्ती से झूमते हुए कहना। दोनों हाथ उठा के कहना मेरे साथ, मेरी हाँ में हाँ मिला तो बाकी महसूस वहां जाके कर लोगे। अरे सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। चाहने वाले होते तो मुझे इतनी बार नहीं कहना पड़ता, बल्कि तुम ही हाथ उठा के कहते सारी दुनिया है दीवानी। I'm not afraid.
इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी।
उनको धन्यवाद करना चाहिए ठाकुर जी का। किसी की भी इतनी औकात नहीं है जो प्रभु के नाम का संकीर्तन करवा सके जब तक प्रभु की मर्जी ना हो। ये केवल वही करवा सकते हैं जो उनके परिवार के जन होते हैं, जो उनके अपने होते हैं, जिनको सामर्थ्य मेरे ठाकुर देते हैं, जिनको सामर्थ्य मेरी किशोरी जी देती हैं, जिनको सामर्थ्य गुरुजन देते हैं, रसिक जन देते हैं। तो फिर तो आपको दोनों हाथ उठा के सबसे पहले कहना चाहिए, हम तो इसका इससे अहंकार शून्य हो जाता है। ये जितने खड़े हैं ना जैकेट पहन के नीले रंग की, हाथ उठा लो, हम तो इस काबिल न थे, हम तो इस काबिल न थे, कदर दानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। खुद में समा